जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए। सलवार पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सर जान का हुसैन के जानू तक आ गया। सर जान का हुसैन के जानू तक आ गया। जो मौत तो सौ बार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए। अकबर से मुस्कुरा के ये बेशीर ने कहा, मुझको तबस्सुम को तलवार चाहिए। जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए। अरे असगर को तीर मार दिया, हाय क्या किया। असगर को तीर मार दिया, हाय क्या किया। बच्चा वो फूल है के जिसे प्यार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल की सरकार चाहिए। जब तक गमे हुसैन है रहना हमें भी है, जब तक गमे हुसैन है रहना हमें भी है। हर आईने को आईना बरदार चाहिए, सरकार चाहिए। इश्क़े रसूल इश्क़े खुदा इश्क़े अहले बैत, इसके सिवा जो चाहिए बेकार चाहिए। सरकार चाहिए। रहमत पुकारती थी के जन्नत के वास्ते, रहमत पुकारती थी के जन्नत के वास्ते। हुर की तरह का भी गुनहगार चाहिए, जन्नत नहीं रसूल। फातिहा।
शब्बीर दे खुलो ऐरान वालो मक्तले शब्बीर दे खुलो दर्द गमो मलाल की तस्वीर दे खुलो बेशीर दे गुलो सबरो रजाए सरवरे दिलगीर दे गुलो सबरो रजाए सरवरे दिलगीर दे गुलो राहे रजा में दिल सब्र कह रहा है यूं ही सब्र कहते हैं खुद सब्र कह रहा है यूं ही सब्र कहते हैं मैयत लिए है हाथों पर शाह फला हजरत के आस पास बेटा वक्त दफन है शब्बीर हाशना मक्तल की शांत देख के भूले बदल दो जात मक्तल की शांत देख के बोले बदर दो याद अब्बास अब संभालो दिले पास पास को आओ उतारो कब्र में असगर के लाश को अब्बास अब संभालो दिले पास पास असगर के लाश आओ उतारो कब्र में असगर के लाश अब्बास आखरी ये मुसीबत का वक्त है अब्बास आखरी ये मुसीबत भी देख लो खोदी है कब्र बेटे की हिम्मत भी देख लो उठ कर जरा भतीजे की सूरत भी देख लो असगर का मेरे आखरे खलत भी देख लो असगर का मेरे आखरे खलत भी देख लो भैया नहीं है ताप दिले दर्द नाक में तो कर छुपाए चांद को अपने खाक में क्यों कर छुपाए चांद को हम अपने खाक बेटा अरे तुम हो अकेले और ये शमशान है मकान बहने ना आस पास है नजदीक है नमा तुम तो अली के पोते हो डरना ना मेरी जान अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ो नासिर निगहबान अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ो नासिर निगहबान
रहना पसंद आया ना दुनिया जीत में मोहसिन के साथ से खेलो बहे मोहसिन के साथ से खेलो बहे आखिर दो बार दादा जब आए कब्र में बेटा बसा और देखे खूब भरा हुआ कुर्ता शहे जमा पूछे के आ बेटे मिला अरे तुझको ये कफन करना ये हाथ जोड़ के करना ये हाथ जोड़ के उनसे ये तो सुखन एहसान किसी का मेरे लिए अरे वो न ले सका मोहताज बाप था न कफन मुझको दे सका मोहताज बाप था न कफन मुझको दे सका ये कह के मिट्टी देने लगे जब हुजूर आ कर पावो दिल के औधे हालत हुए तबाह ऐसा न होगा साबिरो शाकिर खुदा गवाह दिल पे इतने दाके अल्लाह की पनाह एक दिल पे इतने दाके अल्लाह की पनाह तड़पा जो दिल को कल्ब पा सदमे बड़े हुए अलहम्द पढ़ के कब्र से बस उठ खड़े हुए ऐ रोने वालो मक्कले चौदह सदियां बीत गई शब्बीर का चलचा बाकी है कुरआब तक बोल रहा है खाने का बाबा की है कर्बला का लेके सहारा गुंबद खिजरा बाकी है सारे झंडे टूट चुके हैं हक का फरेरा बाकी है गूंज रहा है नाम मोहम्मद जिक्र खुदा का बाकी है चौदह सदियां बीत गई शब्बीर का चर्चा बाकी है इन चौदह सदियों के अंदर चौदह सौ तूफान उठे उमवी हर कारे दौड़े और अब्बासी सुल्तान उठे ला तो हो बल सीनों में छुपे थे हाथों पर को
कुरान उठे, जिनकी बुनियादों में लहू था, कसर वो आलीशान उठे, सब दीवारें बैठ गई, मजलूम का रोजा बाकी है, चौदह सदियां बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है, तबर ने रस्तारों का फौजों की यलगार हुई, लालो गोहर ने दाम लगाए, सिक्कों की झनकार हुई, लंबी कबाओं वाले उठे, फतवों की भरमार हुई, दीदे इबरत तू ही बता, ये जीत हुई या हार हुई, दीदे इबरत तू ही बता, ये जीत हुई या हार हुई, सजदे में सर काट लिया था, लेकिन सजदा बाकी है, चौदह सदियां बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है, क्या जाने किन किन कौमों ने डेरे डाले दरिया पर, आए आकर लौट गए सब गोरे काले दरिया पर, अब भी मिलेंगे टूटे हुए कुछ खंजर भाले दरिया पर, कब्जा करने आए थे सब ताकत वाले दरिया पर, सबका कब्जा खत्म हुआ, अब्बास का कब्जा बाकी है, चौदह सदियां बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है, प्यासों के इनकार का पत्थर मक्तल में था कितना बड़ा, लाखों फितने उठे लेकिन फिर सरे बैत उठ न सका, अब भी किसी के दिल में तमन्ना बैत की उठती है जरा, कहता है अब्बास का परचम फिक्र यजीदी होश में आ, जिसने तुझे मारा था तमाचा, देख वो पंजा बाकी है,
14 सदियां बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है। ताकत पर इतराते क्यों हैं दीन इलाही के दुश्मन, बैठा हुआ है पर्दे में तलवार लिए एक कल्ला शिकन। सिलसिले इस्मत का खुलासा सीने के तीखी धड़कन, आरज़ूए ज़हरा पयंबर जाने हुसैन रूहे हसन। बद्र ओहद से भागने वालों आखिरी हमला बाकी है। 14 सदियां बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है। लाख मिटाओ मिट न सकेगा आले नबी का नाम निशान। लावारिस समझो नहीं से ये खालिक अकबर का है मकान। बैत से अहले बैत का रिश्ता क्या तोड़ेंगे अहले जहां। क्या जाने कब बामे फलक से गूंज उठे आवाज़े अज़ान। ऐ काबे के ठेकेदारो काबे वाला बाकी है। ऐ काबे के ठेकेदारो काबे वाला बाकी है। 14 सदियां बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है। एक जुमला उस सिलसिले में जहां के अभी मेरे मोहतरम करम फरमा अली जनाब मुनव्वर अब्बास साहब एडवोकेट आपकी तवज्जो को मुनतिफ करवा रहे थे, चाहता हूं कि वो आपके तवसुत से यह जुमला ट्रस्टीज तक पहुंच जाए और वो उसका लिहाज रखें कि जो भी ट्रस्ट कायम हुआ है उसमें सबसे पहले एजुकेशनल एडवाइजर्स की जरूरत होगी और मैं प्रोफेसर हसन अख्तर और कर्नल फैयाज हुसैन जैदी के दो नाम आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। अगर हो सकें तो आप ट्रस्टीज की मंजूरी के बाद इनको अपने एडवाइजरी बोर्ड में शामिल कर लें। सलावत। अजीजान मुहतरम, वहये रब्बानी के तअक्कुल पर हमारी छठी तकरीर आपकी समाअत की नजर है।
इस सिलसिले में ये मबाहिस जहां तक पहुंच चुके हैं उनसे आप वाकिफ हैं। हमेशा हर तकरीर के लिए मेरी ये जरूरी हो जाता है कि बहुत मुख्तसर से अरसे के लिए माजी से पहले मुसलसल हो जाऊं और फिर अपनी तकरीर को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। ये हकीकत है कि जैसे एक फर्द के लिए इल्म की जरूरत है वैसे पूरी नौ के लिए वही की जरूरत है। यह अहम तरीन जुमला है, इस पर बहुत गौर फरमाएं। जैसे एक फर्द के लिए इल्म की जरूरत है वैसे पूरी नौ के लिए वही की जरूरत है, इसलिए कि वसाइल इल्म आम नहीं है। इल्म वहीं तक है कि जहां इल्म पहुंचाने वालों के मराहिम साथ साथ हैं, लेकिन वही भेजने वाला चूंकि वो अरहमुर राहिमीन है इसलिए नहीं चाहता हो कि पूरी नौ इंसानी गफलत में रहे, इसलिए उसकी वही में उमूमियत होती है ताकि उसका पैगाम हर कस और नाकस तक पहुंच जाए। इन्नी जाएलुका लिन्नासे इमामा, हमने पूरी इंसानियत के लिए ऐ इब्राहिम तुझको इमाम करार दिया है ताकि हमारी वही पूरी नौ इंसानी तक पहुंचे। तो तालीम फर्द के लिए जैसे जरूरी है उसी तरह से वही पूरी नौ इंसानी के लिए जरूरी है। और जिस तरह से कि जानवरों की जिबिल्लत में कुछ ऐसे अफ़आल पाए जाते हैं कि जिनका आज तक गौर व फिक्र के बावजूद पता न चल सका कि ये कौन सी तालीम है, ये कौन सी तरबियत है कि मछली का बच्चा उसी तरह से पानी में तीरने लगे जैसे कि उसके बुजुर्ग तीरते हैं, परिंदे छोटे उसी तरह से घोंसले बनाए जैसे उनके माँ बाप बनाते थे। ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, ये जो जिबिल्लत हैवानी है कि जहां शहद की मक्खी अपना घर बनाती रहे, बनाती है, बनाती रहेगी, उसको अपने बच्चों को अपनी नस्लों को सिखाने की जरूरत नहीं होती। और जिस तरह से चूंटी अपना काम किए जा रही है और किए जाएगी, उसकी नौ को सिखाने की जरूरत नहीं होती, तो वहां ये हैवानी जिबिल्लत उस रहमत रब्बानी को कबूल करती हैं कि जहां उनकी जिबिल्लत में कोई बात इल्का कर दी जाती है वो औहैना रब औहा रब्बुका इलन नहल अन तक्ज़ी मिनल जिबाल बियूता, तेरे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी। औहा का तर्जमा यहां ये हुआ वो औहा रब्बुका इलन नहल मिनत अनि तक्ज़ी मिनल जिबाल बुयूता, तेरे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि वो पहाड़ों पर ऊंचे मकानों पर बुलंद दरख्तों पर अपना घर बनाए, वकुली मिन कुल समरात, और तमाम फलों से तमाम मेवों से अपनी गिज़ा हासिल करे, और वो शहद जो दुनिया के लिए मुनाफे रखता है और बहुत सी बीमारियों के लिए मुफीद है उसको पैदा करने की कोशिश करे। ये वो जिबिल्लत है जानवरों की जिसको कुरान में ताबीर दी गई वही रब्बानी से, इसलिए कि पूरी नौ पर हैवानियत के ये करम है कि जिस किस्म के लिए, जिस नौ के लिए, जिस जिबिल्लत की जरूरत थी उसको मुकद्दर कर दिया, मुकद्दर कर दिया कि वहां से वो हरकत न करे, मक्खी शहद बनाए घोंसला नहीं, और चींटी अपने लिए छोटे छोटे घर जमीन में बनाए उसके लिए तीरना या दरिंदगी करना नहीं,
जिसके लिए जो काम मुनासिब था उसकी जिबिल्लत में रख दिया। यहां तक के बार बार कहा गया कि हमने ये मुकद्दर किया, हमने ये मुकद्दर किया, हैवानात के लिए ये मुकद्दर किया, नबातात के लिए ये मुकद्दर किया, हमने शम्स व कमर के लिए उनकी हरकतों को मुकद्दर कर दिया। वकद्दरना मनाज़िल शम्स, हमने आफ्ताब की हरकतों को मुकद्दर कर दिया, उसकी जिबिल्लत में ये बात डाल दी कि इस तरह से वो हरकत करे। हमने जमीन के लिए ये काम मुकर्रर कर दिया और मुकद्दर कर दिया कि वो इस तरह से उसका मूवमेंट हो। जहां तक के कायनात थी मा दून इंसान, वहां कद्दरना कद्दरना कद्दरना, और जहां से इंसान शुरू हुआ वहां से कद्दरना रुका। हदैना हदैना हदैना, हमने हिदायत की, हमने हिदायत की, हमने। तो अब हम हदैना की मंजिल पर, हमने हिदायत की। तो अब हिदायत की राहों में भी लाजिम था कि जब हिदायत की जाए तो यकीनन हिदायत के माना यह है कि राह बतलाई जाए, हिदायत के माना यह है कि रास्तों की दुश्वारियों को दिखलाया जाए, हिदायत के माना यह है कि नूर और जुल्मत की तमीज करवाई जाए, हिदायत के माना यह है कि नेक और बद का फर्क समझाया जाए, हिदायत के माना यह है कि मनफअत और मजर्रत को बतलाया जाए, इधर नुकसान है इधर फायदा है। और यह तो नामुमकिन था कि जाते वाजिब चूंटी की तरह से, शहद की मक्खी की तरह से हर इंसान के दिल में यह बात डाल देती कि देख यह हिदायत तेरे लिए है, इस वास्ते के इंसान को तो तमद्दुन पर आकर मिलजुल कर रहना है, यह मुतमद्दिन नौ है, इसलिए यह लाजिम हुआ, यह लाजिम हुआ कि इन्हीं इंसानों में से किसी ऐसे इंसान को चुने जो मसले वक्ती मसलहते मकानी मफादे जाती गरजे जाती से दूर और बेगाना होकर अपनी निगाहें उसके हुक्म की तरफ लगा दे और कहे वज्जहतो वज्ही लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्ज़, मेरी सारी तवज्जुहात ज़ाते वाजिब की तरफ है जिसने जमीन आसमान को खल्क किया। तो ऐसे इंसान की कुव्वत गरीज़ी से आगे एक कुव्वत है जिसको कुव्वत दर्रा का कहते हैं, उस कुव्वत दर्राका में यह कमाल पैदा हो जाता है कि वो वक्ती जमानी आनी फानी मसलहतों से हटकर पूरे नौ की सआदत का तलबगार होता है, पूरे जिन्स की सआदत का तलबगार होता है, और वो अपने रब की तरफ देखता है कि परवरदिगार अगर मैं तेरी तरफ आऊं तो यकीनन मुझे हिदायत मिलेगी, मैं औरों की तरफ नहीं जाऊंगा। इब्राहिम ने आवाज दी इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीनी, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं वही मेरी हिदायत करेगा। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीनी, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं वही हिदायत करेगा। सैर मिनल खल्क इलल हक जब शुरू होती है तो उसमें अक्ल लाजिम है, ये गुफ्तगु हो चुकी है दो दिन पहले। सैर मिनल खल्क इलल हक जब शुरू होती है तो उसमें अक्ल लाजिम है, तअक्कुल लाजिम है। इब्राहिम ने कहा मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं वही मेरी हिदायत करेगा। कौम ने कहा कि इब्राहिम हमारी तरफ से, हमारी तरफ से हमारी अक्ल का पैगाम लेते जाओ और यह बतलाओ कि नौए इंसानी इस अंदाज से तअक्कुल कर सकती है, चले अपने रब की तरफ। फलम्मा जन्न रात हुई, तारा चमका तो कहा ये है मेरा परवरदिगार। फलम्मा अफला क़ाला ला उहिब्बुल आफिलीन, जब ये डूबा तो उन्होंने कहा मैं डूबने वालों को दोस्त नहीं रखता, ये नहीं कहा कि मैं डूबने वालों को रब नहीं बनाता। ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों का दोस्त नहीं रखता। और जब उसके बाद फलम्मा रा अल क़मर बाज़िगन क़ाला हाज़ा रब्बी, के शायद ये मेरा परवरदिगार है। क़ौम फलम्मा अफला क़ाला लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनज़्ज़ालीन, अगर मेरा रब मेरी हिदायत न करता तो मैं तो गुमराहों में से था। फलम्मा रा शम्सा बाज़िगतन, जब आफ्ताब को चमकता हुआ पाया, क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, शायद ये रब हो, ये तो सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत,
قال یا قوم انی بری ہوں مما تشرکون, اور ایک مرتبہ آواز دی, اے قوم میں تمہارے شرک سے بری ہوں, میں نے تم کو دکھلانے کے لیے یہ سارے عقلی مدالیل و عقلی دلائل بتلا دیے کہ عقل کا کہنا یہ ہے کہ جو ڈوبے وہ خدا نہیں, جس کا نور ختم ہو وہ خدا نہیں, جو باقی نہ رہے وہ خدا نہیں, جو چمک کے غائب ہو جائے وہ رب نہیں. یہ استدلال تم سمجھ لو, اور اس کے بعد میں جا رہا ہوں. انی ذاہب الى ربی سیہدینی, جب اس منزل پر پہنچے تو ایک مرتبہ قوت دراک ابراہیم نے قبول کیا پیغام وحی ربانی کو کہ ہاں اب یہ پیغام لے کے پھر سفر اختیار کرو, من الحق الى القلب, عقل لے کر چلے وحی لے کر آئے, عقل لے کر چلے وحی لے کر آئے. تو وحی ان کی ذات کے لیے نہیں تھی, وحی ان کی ذات کے لیے نہیں تھی, پوری نو کے لیے تھی, پوری انسانیت کے لیے وحی تھی, اور یہ پیغام پورے انسانوں کے لیے تھا. اور اس طرح سے جب یہ پیغام پورے انسانوں کے لیے آتا ہے تو یہی وہ منزل ہے کہ جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو پیغام آتا ہے, یہ جو پیغام آتا ہے, کیا اس میں عقل کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس میں تعقل کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس پر غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے؟ جس دن دنیا یہ کہہ دے گی کہ بھائی وحی ربانی ہے, اس میں تعمق نہ کرو, دیکھیے یہ اختلافی مسائل ہے, جس دن دنیا یہ کہہ دے گی کہ یہ وحی ربانی ہے, اس میں تعمق نہ کرو, اس میں گہرے نہ جاؤ, بس سرسری گزر جاؤ کہ دیکھو یہ وحی کے الفاظ ہیں, اس کے معنی یہ ہے, سمجھ لو اسی دن قرآن کے معجزہ ہونے کا انکار کر دو گے. جہاں تعمق سے دور ہو جاؤ گے, قرآن ایک معمولی عربی کی درسی کتاب بن کر رہ جائے گا, اور اس کے بعد بدون تعمق آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے. تو جہاں وحی آئی تعقل لازم ہوا, جہاں تعقل لازم ہوا تو تعقل کی پہلی منزل پر ہم غور کر رہے تھے کہ پہلی وحی ربانی ہر نبی کو یہی ہوئی, پہلی وحی کہہ دو اے رسول میری طرف یہ وحی کی گئی ہے, میری طرف یہ وحی کی گئی ہے, انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون, میری طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہارا خدا ایک ہے, ایک ہے, کیا تم تسلیم کرو گے؟ تو اس کے معنی کیا ہے؟ میں کل اور پرسوں کی تقریروں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں اس نے کہا تمہارا خدا ایک ہے اور یہ ہے تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ, تو کیا یہ عقل سے مستغنی ہے؟ یہاں تعقل کی ضرورت نہیں ہے, یہاں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے, خدا ایک ہے تو آخر اس کا اطلاق کیا ہے, اس کا اپلیکیشن کیا ہے, اس کا انتباق کیا ہے؟ اگر دماغوں پر یہ منطبق ہو جائے لا الہ الا اللہ تو کیا ہو, اگر ہمارے اعمال پر طاری ہو جائے لا الہ الا اللہ تو ہمارا حال کیا ہو, ہم کہاں جائیں, کن منازل پر ترقی کریں؟ آخر یہ لازم ہے نا, یہ تعقل لازم ہے, ہم اس پر غور کر چکے ہیں اپنی کل کی تقریر میں اور پرسوں کی تقریر میں, لا الہ الا اللہ کے اپلیکیشن پر ہم گفتگو کر چکے کہ اطلاق لا الہ الا اللہ کا کیا ہونا چاہیے, یہ پہلی وحی. مگر اس وحی کے ساتھ ساتھ جو منسلک متصل اور مربوط دوسرا امر تھا وہ یہ کہ جیسے ہی رسول کی زبان سے نکلا کہ انما یوحا الیہ, یہ میری طرف وحی کی گئی ہے, انما الہکم الہ واحد, تو انہوں نے کہا بل عجبو, تعجب کیا انہوں نے, انجاہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سورہ سات کلام مجید کا 38واں سورہ, جیسے ہی اس کی زبان سے یہ نکلا تعجب کرنے لگے, کہا ڈرانے والا آئے, انہی میں سے آئے, منہم انہی میں سے آئے, بل عجبو تعجب کیا, انجاہم کہ آیا ان کے پاس منذر منہم ڈرانے والا انہی میں سے,
इन हाजा साहिर उनका साहब, ये झूठा जादूगर है। अजाल आलहता इलाहन वाहिदा, क्या हमारे इतने बहुत से खुदाओं को मिलाकर एक खुदा बना देगा ये? इन हाजा लशयुन उजाब, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। यानी अब यहां नाफरमानी और मासियतकारी की अभी हदें शुरू नहीं हुई, यहां पहला तसव्वुर यह हुआ कि न मुझको वही आई, न मेरे बाप पर वही आई, न मेरे दादा पर वही आई, न मेरे कबीले में वही आई, न मेरे खानदान में वही आई, न मैंने अपने किसी दोस्त को वही से मुतासिर होते हुए देखा। एकाएक हम में से एक शख्स उठा और कहा मुझ पर वही आई, और खुदा एक है, खुदा एक है। तो कहा कि नहीं, ये तो जादूगर है, ये झूठा है, वही इस तरह से नहीं आ सकती। क्यों कहा जादूगर है और क्यों कहा झूठा है? क्या बात थी? सिर्फ इतनी कि जाहुम मुंजरुन मिनहुम, के उन्हीं में से एक आया, उन्हीं में से एक आया। आसमान से आवाज आती, किसी मकाम पर कोई माफौ के इंसान मखलूक बनती और वो सदा देती, किसी मकाम पर पहाड़ों से गूंज की आवाज आती और एक दो हैकल और एक अजीब उलकिलकत मखलूक वहां से आवाज देती, अन्ना इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तो ये शक न होता। बल अजबू अंजाहुम मुंजरुन मिनहुम, ताज्जुब तो यह है कि डराने वाला आया और उन्हीं में से आया। माले हाजर रसूल, अरे इसको क्या हो गया? या कुलु ताम वो यमशी फिल अस्वाक, ये गिजा भी खाता है, रोटी भी खाता है, बाजारों में भी चलता है और फिर नबुवत का दावा भी करता है। तो अब इनके दिलो दिमाग में एक ऐसे हादी का तसव्वुर था जो पहले उनमें से न हो, उनमें से न हो। दूसरे ये कि जो जो हरकतें इनसे सादिर हों उससे सादिर न हो। अगर ये खाना खा रहे हैं तो वो खाना न खाए, ये अगर पानी पीते हैं वो पानी ना पिए, ये अगर चलते फिरते हैं वो चले ना फिरे, ये अगर बोलते हैं तो वो ना बोले। अब ये बातें तो सिर्फ पत्थर के बुतों में मुमकिन थी, पत्थर के बुतों में मुमकिन थी कि न खाएं न पिए, न बोलें न हंसें न मुस्कुराएं न हरकत करें। तो उन्होंने कहा कि देखो ये कैसा इंसान है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि माजी के तसव्वुरात जो बुतों के साथ वाबस्ता थे, माजी के वो अकायद जो इनके तरशे हुए सनम और तन तरशे हुए पत्थरों के साथ वाबस्ता थे, उन तसव्वुरात को उन्होंने अप्लाई किया, मुंतबिक किया पैगंबर की जात पर, और कहा कि ये तो खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, ये बाजारों में भी चलते फिरते हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि लौला उल्किया इलैह कंजुन, काश कोई खजाना इनके साथ होता, औ तकूना माहू जन्नतुन, या उसके साथ साथ कोई जन्नत चलती कि जब भूख लगती उस जन्नत में से मेवे लेके खाते, जब हमको जरूरत पड़ती वो अपना खजाना लुटाता। न खजाना साथ है न जन्नत साथ है, वही भूख है वही प्यास है और फिर नबी, वही भूख है वही प्यास है और फिर नबी। इसलिए उन्होंने अंदाजा अपने नुफूस पर किया, ताज्जुब किया, और उसके बाद कहा कि नहीं ये कैसे होगा नबी। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि तुम्हारा जहां से शक शुरू हो रहा है, जहां से शक शुरू हो रहा है, जहां से आगाज कर रहे हो वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त है, मगर जो आर्गुमेंट की लाइन है वो गलत है। तुम्हारा शक यहां से शुरू हो रहा है कि मैं तुम्हारी तरह से हूं, सही है, अना बशरुन मिसलुकुम, अना बशरुन मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह से बशर हूं दुरुस्त, मगर सिर्फ इतना सोचो कि यहां रुकता नहीं हूं मैं। अना बशरुन मिसलुकुम यूहा इलैया, अना बशरुन मिसलुकुम यूहा इलैया, मैं तुम्हारी तरह से बशर हूं, मेरी तरफ वही होती है, मैं साहिबे वही हूं। तो अब
लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, एक बड़े खानदान की फर्द है, एक बड़े खानदान का रुकन है, और बहरहाल तस्लीम करो, अरब में तफरीक है, अरब में इंतशार है, कबाइल में लड़ाई है, मुमकिन है कि ये इत्तेहाद अरब का बाइस बने, चलो ला इलाहा इल्लल्लाह, वक्ती तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह, रस्मी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह, चले चलो चले चलो। रहने दो रहने दो, इन बुतों को भी रहने दो, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक के फतेह मक्का। अब बुध हट गए, अब बुत हट गए तो बजाहिर पत्थर के बुत तो हट गए, मगर वो जो ताल्लुक कल्ब था वो जा न सका, वो जा न सका, वो दिल में रह गए, वो दिल में रह गए, और कहा कि हां ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक के नौ हिजरी में मदीने में, अब 1.5 बरस बाकी है पैगंबर को दुनिया से जाने में। एक मरतबा एक सूरा नाजिल हुआ जिसका नाम है सूरह हुजरात, ये तारीख याद रखिए, सन 9 हिजरी, यानी पैगंबर की खिदमतों को 21 बरस हो चुके, 9 हिजरी सूरा नाजिल हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुकद्दमु बैन यदिल्लाहि व रसूलिह। देखो पहली बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू किया जाता है नाम से अल्लाह के जो रहमान रहीम है, ऐ साहिबान ईमान, रसूल अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ला तुकद्दमु बैन यदिल्लाहि व रसूलिही फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है और जानता भी है। खबरदार अपनी आवाजों को रसूल की आवाजों से बुलंद न करो, वला तजहरू लहू बिलकौल का जहरे बाज़िकुम लिबाज़िन लितहबत आमालुकुम, और तुम इस तरह से रसूल से बात न करो जैसे तुम में से एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, ऐसा न हो कि तुम्हारा सारा अमल हत हो जाए, वो अंतुम ला तशकुरून, और तुमको शऊर भी नहीं होगा कि अमल कैसे गायब हो गया। और उसके बाद इरशाद हुआ रसूल, इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजरात, रसूल वो लोग जो अपने अपने हुजरों में बैठ के तुझको पुकार रहे हैं, जो अपने हुजरों में बैठ के तुझको पुकार रहे हैं और अपने हुजरों की खिड़कियों से सर निकाल के पुकार रहे हैं, मोहम्मद मोहम्मद, हुम ला याकिलून, उनमें अकल नहीं है, उनमें अकल नहीं है, वो अकल से काम नहीं ले रहे। मैंने एक ऐसे मसले को छेड़ा है कि जरा सा मैं आपसे तवज्जो का तालिब हूं। अकल की बहस करते हुए एक बात हमेशा याद रखिए कि कुरान मजीद में अकल की तारीफ ये की, वो यजअलु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याकिलून, खुदावंद अली आला नजासत को करार देता है जहां अकल ना हो। जो लोग अकल से काम नहीं लेते वो नजिस हैं। ये नजासत वो नहीं है जो पैराहन से लग जाए, ये नजासत वो नहीं है कि गंदा पानी गिर गया, ये नजासत ये नहीं है कि किसी का खून गिर पड़ा, ये नजासत वो नहीं है कि जहां कोई नजिस जानवर ने आके आपको मस किया, ये नजासत कुछ बातिनी नजासत है। वो यजअलु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, और नजासत उन पर है जो अकल से काम नहीं लेते, और ये नजासत वो है कि मुतअद्दी है, लाजिम नहीं है, मुतअद्दी है, यानी एक से दूसरे को ये नजासत अपने आप मुतासिर करती जाती है, एक दूसरा तीसरा सब उससे मुतासिर होते हैं। तो ऐसी मंजिल पर
یہ نجاست یوں جاتی ہے کہ یوں ہی بعضہم الی بعضن. آپ آیت سن چکے, وہ جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, یوں ہی بعضہم الی بعضن, ہم نے قرار دیا ہے ہر نبی کے لیے چند شیطان انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی جو ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. وہ وحی بے عقلی کی ہوتی ہے, بے عقلی نجاست ہے, اس لیے نجاست پھیلتی چلی جاتی ہے, اور جب یہ کسی شہر میں عام ہو جائے تو اکثر ہم لا یعقلون, یہ قرآن مجید کیا ہے, اکثر ہم لا یعقلون, پھر تو اکثریت ہو جاتی ہے بے عقل, اکثریت ہو جاتی ہے بے عقل. وہاں کوئی یہ نہ کہے ارے ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم کیسے بے عقل ہیں. ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ نو ہجری میں سورہ حجرات آتا ہے کہ کھڑکیوں سے منہ ڈال کے پکار رہے ہیں محمد محمد رسول, یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یعقلون, یہ عقل سے کام نہیں لیتے, یہ عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں, رجس ہے, رجس نجاست ہے, ابھی تجھ کو سمجھا نہیں ہے, ابھی تجھ کو انہوں نے پہچانا نہیں ہے. کامل 21 برس کی تبلیغ کے باوجود ابھی ان کے دل میں وہی فکر ہے کہ تو انہی جیسا ایک بشر ہے, تو ان کی طرح سے ایک انسان ہے. عجب الناس ان اوحینا الی رجل منہم, کہ انسان تعجب کرتے رہیں گے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے, ہم نے ان میں سے ایک انسان کی طرف وحی کی ہے, یہ کب تک تعجب ہوگا. تو یہ تعجب رہا اور کتنے دن رہا, 9 ہجری تک. اب بات کی باتیں خدا بہتر جانتا ہے, مگر بظاہر 9 ہجری تک سورہ حجرات یہ بتلا رہا ہے کہ ابھی پہچان نہیں سکے, رسول کو پہچان نہیں سکے کہ یہ صاحب وحی کیسے ہو گیا, لیکن اپنی سیاسی مصلحتیں اور اپنے عرب کی سیاست کے اور عرب کے حالات کے اعتبار سے مجبور ہو گئے تھے کہ چلو بھائی ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو اسی طرح سے پکاریں گے, اسی طرح سے بات کریں گے. ارشاد فرمایا دیکھو اگر اب کی دفعہ تم نے اس طرح سے نام لیا تو عمل ہفت ہو جائے گا, اگر اس طرح سے تم نے رسول کی آواز پر آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو تمہارا عمل ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا جائے گا, اور سنو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو, پیچھے رہنے کی کوشش کرو, اس کی آواز پر آواز بلند نہ کرو, رسول کچھ کہے اور تم کچھ کہو تو یہ آواز پر آواز بلند کرنا ہے, رسول کہیں رکنے کو کہے تم آگے اگر بڑھ جاؤ تو اس کے معنی یہ رسول سے آگے بڑھ جانا ہے, اور اس کے بعد رسول کو نہ پہچان کر نام لینا, نہ پہچان کر نام لینا یہ بڑی بے عقلی ہے, بڑی بے عقلی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید الہی میں تعقل کرنے والوں کے لیے کیا یہ لازم نہیں ہے کہ خود صاحب وحی کی ذات میں تعقل کریں, رسالت کی منزل پر تعقل کریں, کہ اگر توحید کا اطلاق یہ ہے کہ ساری کائنات میں ایک وحدت کو پایا جائے تو میں پوچھتا ہوں ملت سے کہ رسالت کا اطلاق کیا ہے. میری بحث اس نتیجے پر پہنچی, اگر توحید کا اطلاق یہ ہے, اگر لا الہ الا اللہ کا اپلیکیشن یہ ہے کہ وحدت افکار ہو, تو محمد رسول اللہ کا اپلیکیشن کیا ہے؟ اگر یہ طاری ہو جائے تو کیا ہے؟ پوری خصوصیات سے اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو کیا ہے؟ اور کیا ہو انسان کی منزل اگر وہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ کا اطلاق اگر وحدت افکار ہے, اگر لا الہ الا اللہ کے اپلیکیشن میں عدل پر نظر ہے, بدا پر نظر ہے, اس کے قادر علی الاطلاق ہونے پر نظر ہے, اور اس بات پر نظر ہے کہ وہ رحمت مطلقہ ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کا مسلسل وہ ذات انتظام کیے جا رہی ہے, اور سارے کائنات میں اس کثرت کے باوجود ہم ایک ربط دیکھ رہے ہیں اشیاء میں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا کیا اطلاق ہے, اور آپ نے کبھی رسالت میں بھی تعقل کی کوشش کی ہے کہ یہ جو صاحب وحی ہے اس میں تعقل کیا ہو؟
مختصر سی گفتگو نہیں ہے, ہے گفتگو طویل, بڑی ہی اہم اور نہایت ضروری. وہ رسول, اب میں ظاہر ہے کہ اپنی تقریر کو مسلسل کر رہا تھا کچھ ماضی سے, اس لیے کچھ تیز تیز گزرنا چاہتا تھا, وقت کم رہ گیا ہے, موضوع بہت وسیع ہے, نہیں چاہتا کہ تشنگی سی تشنگی خود میں محسوس کروں. یہ اور بات ہے کہ قابل دماغ اپنے لیے خود اپنی راہیں ڈھونڈ لیں. وہ رسول کہ جس کے لیے قرآن کہے عالم الغیب, سورہ جن, لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, غیب کا عالم, کسی کو علم کا غیب نہیں دیتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کر لے. سورہ جن کی آیت, عالم الغیب, فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, غیب کا عالم کسی کو علم غیب نہیں دیتا جب تک کہ اپنے رسولوں میں اس کو مرتضی نہ کر لے. کیا خیال ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے کہنے والے کیا محمد کو مرتضی سمجھتے ہیں کہ نہیں, یا ابراہیم مرتضی ہے, یا نوح مرتضی ہے, یا موسیٰ مرتضی ہے؟ الا من ارتضی من رسول, مگر وہ کہ جس کو رسولوں میں سے پسند کر لے مرتضی بنائے. تو سب نے کہا ہاں یہ صحیح, محمد مرتضی, محمد مرتضی. آیت ختم نہیں ہوئی, کیا کرتا ہے علم غیب عطا کر کے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, غیب کا عالم علم غیب نہیں دیتا کسی کو مگر ان کے رسولوں میں سے مرتضی کر لے. اور اس کے بعد فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا, اور جس کو یہ علم دیتا ہے اس کے سامنے ارد گرد پیچھے ایک رصد لگا دیتا ہے, ایک نگرانی قائم کر دیتا ہے رسول کے اطراف. پہچانا رسول کو؟ فإنه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا, لے یعلم, تاکہ علم ہو دنیا کو, ان قد ابلغوا رسالات ربہم, تاکہ برابر علم ہوتا رہے کہ رب کی رسالتوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ, بڑی پابندی کے ساتھ, بڑی رازداری کے ساتھ, وحی ربانی کی مزاج شناسی کے ساتھ مسلسل پہنچایا جا رہا ہے. اس لیے ہم رصد لگا دیتے ہیں سامنے پیچھے ہر طرف, اپنے رسول کی نگرانی کرتے ہیں. وہ احاطہ بما لدیہم, اور اس کے اطراف ایک احاطہ کیے ہوئے رہتے ہیں. وہ احصا کل شئین عددا, اور ہم ہر چیز کو گن لیتے ہیں. یہ ہے رسول مرتضی کی تعریف, کہ اس کے ہر عمل کی نگرانی خداوند علی اعلی کرتا ہے جس کو صاحب وحی بناتا ہے. اب اگر بھول رہا ہے تو, اگر نسیان ہوتا ہے تو, اور اگر خیبر میں ظہر کی چار رکعت کی جگہ فقط دو رکعت پڑھ کے نماز کو ختم کر دیتا ہے تو وہ رصد کہاں ہے؟ وہ رصد جو قائم کی گئی ہے وہ کہاں ہے؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, کہ سامنے پیچھے ارد گرد نگرانی ہو رہی ہے کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم, کہ اس طرح سے رب کی رسالتوں کو پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ نگرانی ہوئی, رسول کی نگرانی ہوئی, مرتضی بنایا, غیب کا علم دیا. غیب میں پریشانی نہ ہو, بڑے جھگڑے ہو جائیں گے اگر آپ اس ہنگامے میں مبتلا ہوں, خود وہی غیب ہے. مختصر سی تعریف یاد رکھیے, خود وہی غیب ہے. یعنی کب مریں گے, کب جیئیں گے, قیامت کب آئے گی, اور باتیں ہیں. خود وہی غیب ہے, یعنی جو ہوا سے ظاہر میں نہ آئے وہ غیب ہے نا, جو آپ کے حواس نہ پا سکیں وہ غیب ہے. کیا آپ کے حواس میں وہی ہے؟
कितनी अजीब तारीफ है। आज जो हवास में आपके नाए वो गायब है, क्या आपके हवास में वही है? नहीं है तो उसके माने वही गायब है और उसको गायब का इल्म अता हुआ, गायब से इल्म अता हुआ और उस पर निगरानी लगा दी। ये सूरह जिन। अब सूरह यूनुस, मा तकून फी शान व मा तत्लू मिन्हु मिन कुरान व मा तअमलून मिन अमल इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा। इस आयत का जोर देखिए, तू किसी हाल में रहे, मा तकून फी शानी, तू किसी हाल में रहे, सोए जागे उठे बैठे चले फिरे, अजवाज के पास रहे, असहाब के पास रहे, मस्जिद में रहे, जंग में रहे, मा तकून फी शानी वो तत्लू मिन्हु मिन कुरान, या ये क्या कुरान की तिलावत करता रहे और तबलीग करता रहे, या इनके किसी अमल में मसरूफ हो, इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, कुछ नहीं है मगर इसके, मगर ये कि हम बराबर निगरा हैं। इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, हम शाहिद हैं, हम निगरा हैं। तो वो गलती कर जाए और निगाह इलाही से बच जाए, उसमें कमजोरियां हो और वो शाहिद हकीकी न देख सके, तू किसी हाल में हो, तो कुरान पढ़े या कोई अमल करे, इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, हम शाहिद, हम निगरानी कर रहे हैं, इल्म गायब देते हैं तो हर तरफ से रसद लगा देते हैं, और जब कोई अमल आप करते हैं तो शाहिद बन जाते हैं। इस निगरानी के बावजूद भी अगर कोई मुसलमान अपने नबी को खताकार समझता है तो उसके माना यह कि 1385 हिजरी में भी वो वही रब्बानी का ताकुल न कर सका और मुहम्मद रसूलुल्लाह उस पर इतलाक न पा सका। कलिमा पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजरी, बाप ने कलिमा पढ़ा, दादा ने कलिमा पढ़ा, पर दादा ने कलिमा पढ़ा और आज कह रहे हैं हाँ इंसान तो थे ना, इंसान तो थे ना, गलती मुमकिन। उसके माना ये कि इंसान जो आपकी नजर में है, इंसान जो आपकी नजर में है, एक तो आप हैं, एक आपके घर वाले हैं। अब ऐसे ही इंसानों पर कियास जब नबी के इंसानियत का किया तो उसके माना ये वही रब्बानी में ताकुल न हो सका। अकल से आपने काम लेने की कोशिश नहीं की, जब उसने ये कहा कि मैं तुझको हादी बना रहा हूं और जब हादी बनने वाले ने कहा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं, तो देखने वालों ने गौर नहीं किया, गौर नहीं किया, और अगर आज भी नहीं किया तो उसके माना ये कि आज भी अकल से काम नहीं लिया, और अगर आज भी अकल से काम नहीं लिया तो बेअकली है, और बेअकली है तो रिक्स है, और अगर रिक्स है तो नजासत है। यही है ना, वो यजअलू रिज्स अला लज़ीन ला याकिलून, जहां अकल नहीं है वह नजासत है, बचाओ दामन, बड़ा मुतअद्दी मर्द है। कोई चुपके से बैठ के ये ना कह दे अरे एक बशर के लिए कह रहे हैं, क्यों अपने कानों को गुनहगार करो, क्यों कानों से सुनी हुई आवाज को दिल में जगा दो, दिल में उतरे तो कहीं घर ना कर ले, कहीं बेअकली आम न हो। इसलिए अच्छा है गुलू, अच्छा है अकीदे का वो आलम के जहां दुनिया कहे ये तो समझ में नहीं आते, ये समझ में नहीं आना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। अरे बार बार कहते वो तो हम में से थे, रसूल हम में से थे, भैया हम में से थे तुम कह रहे हो, कभी रसूल ने तुमको भी ये कहा कि तुम हम में से हो? हम में से थे, हम मुंजरून मिन्हुम, डराने वाला आया और हम ही में से डराने वाला आया, हम में से। आपने अपने आप को आजमाया कि आपके इस लफ्ज हम के इस हर्फ के क्या माना है, हम में से है रसूल, तो आपकी हद तक तो बजा है, मगर यह जुमला उस वक्त कामयाब होता जब रेसिप्रोकेशन होता, जब दूसरी तरफ से भी यह कहा जाता हां
तुम ये समझ रहे हो कि हम में से हैं और रसूल ये समझ रहा है कि हम में से हैं। और अगर रसूल किसी को कह दे हम में से हैं, अब जिसको रसूल कह दे कि हम में से है तो वो हस्तियां भी फिर इतनी बुलंद हो जाएंगी कि जिनको अकल इंसानी ना पा सके। इसी वास्ते हजरत मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बाब फजाइल अली कायम किया बुखारी शरीफ में, तो जैसा कि मैंने बारहा अर्ज किया कुल तीन हदीसों को नकल किया है इस बाब फजाइल में। एक हदीस वो है जिसको हदीस रायत कहते हैं कि खैबर में अलम दूंगा और मर्द को दूंगा, और दूसरी हदीस वो है जिसको हदीस मंजिलत कहते हैं कि अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा, और तीसरी हदीस हदीस मिन्नियत है या अली अंत मिन्नी वो अना मिन, तू मुझसे है मैं तुझसे। और मैं समझता हूं कि बोलने वाले, सोचने वाले, लिखने वाले और नसार नज्म कहने वाले, उनके लिए बड़ी गुंजाइश है इस छोटे से जुमले में कि यह मकाम मिन्नियत क्या है, यह मकाम मिन्नियत क्या है। मुझसे है, मुझसे है। आइए एक मरतबा और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इतलाक, ताकि जैसे जैसे आप रसूल को पहचानते जाएंगे आपको अंदाजा होगा कि आज हम किस अंधेरे में हैं, और आपको अंदाजा यह होगा कि रसूल ने जिन अफराद का इंतकाब किया था वो किन बुलंदियों पर। हजरत नूह ने हिदायत का इज्न लेकर अपने आप को कौम की तरफ पहुंचाया, कौम ने नूह की आवाज को तस्लीम नहीं किया, वो बगावत पर माइल हो गए। हुक्म आया कि अब इस ये कौम तूफान के लिए तैयार हो जाए, मगर नूह एक कश्ती बना, और उस कश्ती के लिए कुरान ने क्या कहा, वस्नाइल फुल्क आयुनेना, हमारी निगाहों के सामने वो कश्ती बने, वस्नाइल फुल्क बे आयुनेना वो वाहियना, हमारी वही के साथ साथ हमारी निगाहों में रहे वो कश्ती जैसे जैसे बनती जाए। नूह की कश्ती जो एक तूफान से बचाने वाली है वो आयुन इलाही में रहे, निकाह इलाही में रहे, इसलिए कि एक तूफान से बचाना है साहिबान ईमान को। अगर कयामत तक बहुत से तूफानों से बचाना हो और किसी कश्ती को रसूल इशारतान हवाले कर रहे हो, तूफान में घिरने वालों को बतला रहे हो कि देखो ये कश्ती काम आने वाली है, तो अंदाजा कोई नहीं करता कि ये सफीना भी निगाह इलाही में होगा। मसलो अहल बैती का मसल सफीनते नू, अजीब इरशाद है, अजीब हदीस है, सब जगह मौजूद है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने तो तफसीर से लिखा है रहमतुल्लाह अलैह के अहले बैत की मिसाल हमारी सफीने नूह की सी है, और वो कश्ती जो आयुन इलाही के साथ बनी, निगाहों के सामने बनी, वही रब्बानी के साथ बनी, तो वो इल्म गैब को लाने वाला, वो इल्म गैब का अता करने वाला खालिक, वो इल्म गैब का बख्शने वाला खालिक, जिसने अपने हबीब को गैब वही अता किया हो और जिसने ये निगरानी की हो कि सामने पीछे इर्द गिर्द बराबर रसद लगी हुई हो। और अगर ऐसा रसूल किसी को ये कह दे अंता मिन्नी और अपनी ख्वाहिश नफ्स पे कह दे, ये समझ के कह दे के दामाद है, ये समझ के कह दे के नवासों का बाप है, ये समझ के कह दे कि इससे मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी, तो बड़ी गलती है ना। उसके माना क्या है, उसके माना है कि हमने अपने नफ्स पर खतनी मर्तबत का कियास किया और ये समझा कि वो भी ख्वाहिशात नफ्स की बिना पर हुक्म देते रहते हैं। इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का इतलाक समझ में आए कि वहदत अफकार है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इतलाक वहदत किरदार है।
ताकि किरदार में इंसानियत, किरदार में इंसानियत हो, वहां फिक्र में इंसानियत आए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। किरदार में इंसानियत जाए, जहां सिर्फ अफकार हो वहां कुछ नहीं, जहां सिर्फ किरदार ही किरदार हो, फिक्र गायब, वहां कुछ नहीं। इसलिए अफकार के साथ किरदार और किरदार के साथ अफकार रहे और दोनों जगह वहदत रहे, ताकि कलमे की हकीकत समझ में आए कि इंसान किस तरह से वही रब्बानी पर ताकुल कर सकता है। वो जाते खत्मी मर्तबत के जिसको सही माना में दुनिया ने आज तक भी नहीं पहचाना, आज तक भी नहीं पहचाना, इसी धोखे में कि हम जैसे इंसान थे, हम जैसे इंसान थे, अना बशर उन मिसलुकुम यूहा इलैया, तो यूहा इलैया को छोड़ दिया, फकत बशर उन मिसलुकुम, बशर उन मिसलुकुम, तुम्हारी तरह से एक बशर। अरे यूहा इलैया को कैसे छोड़ दिया? मैंने एक मर्तबा अजीब इस्तदलाल किया था गुज़िश्ता साल खालिदना हॉल में, वो यकीनन आपके पेश नजर रहे, बाज़ अहम बातों की तकरार में इफादियत होती है, इसलिए उसको याद रखना चाहिए कि रसूल बशर तुम हैवान नहीं है, इंसान हैवान नहीं है, हैवान है। हैवान भी सोता है, तुम भी सोते हो, हैवान भी खाता है, तुम भी खाते हो, हैवान भी पीता है, तुम भी पीते हो, हैवान में भी तवालुद और तनासुल है, तुम में भी तवालुद और तनासुल है, हैवान में भी तग़ज़िया तन्निया तौलीद मसल है, तुम में भी तग़ज़िया तन्निया तौलीद मसल है। फर्क क्या है, फर्क क्या है तुम में और हैवान में? बस यही कि उसका खाना पीना सोना जागना तौलीद मसल हैवानियत के ताबे है। तुम्हारा खाना पीना सोना जागना अकल के ताबे है। सो गए तो कोई ये नहीं कहता बेअकल सो रहा है, खाया तो कोई ये नहीं कहता कि बेअकल खा रहा है। हर अमल आपका अकल के ताबे है, चलते हैं तो अकल, सोते हैं तो अकल, जागते हैं तो अकल, यानी जो काम हैवान का है वही काम है आपका है, मगर अकल के साथ। जो काम आपका है वही काम नबी का है, मगर वही के साथ। तुम ताबे अकल हो, वो ताबे वही है, इतना फर्क है। सिर्फ कह दिया आना बशर उन मिसलों को, अरे यूहा इलैया शर्त साथ है, शर्त साथ है कि बशर तो हूं मगर वो बशर के साहेब वही हूं, साहेब वही हूं। तो यूहा इलैया की के मोहित होने को देखिए, उसके अहाते को देखिए, बशर उन मिसलों को युहाई ले होते वही होते। आपने पानी पिया, अकल साथ थी, मगर जब आप खाना खा रहे थे अकल ने साथ नहीं दिया, जब आप जाग रहे थे तो आप अकल के ताबे थे, जब आप बाहर निकले अकल हट गई, जब आप घर में थे तो अकल की बातें कर रहे थे, जब दोस्तों के पास आए अकल रुखसत हो गई। अगर यह मुमकिन है आपके लिए तो फिर रसूल के लिए भी यह मुमकिन है कि घर में बैठते थे अजवाज के पास तो वही नहीं, मस्जिद में आते तो वही, और जंग में जाते थे तो वही, और सुलह की मंजिल पर वही नहीं है, ऐसा इम्कान? अगर आप अपने आप को आने वाहिद के लिए अकल से अलग कर रहे हैं, आने वाहिद के लिए अगर आपने अपने आप को, अरे किसी आप अजीब बात है, देखिए अगर मैं कह दूं जनाब अच्छे खासे आदमी हैं आप, सुबह को तो बाअकल रहते हैं शाम को बेअकल हो जाते हैं, अच्छा खासा गुस्सा हो आपका होगा मुझ पर और बात बिगड़ जाएगी, दोस्ती खत्म हो जाएगी। जनाब अजीब आदमी है, जब मिलते हैं वो यही कहते हैं कि सुबह को तो हम साहेब अकल होते हैं, हम शाम में बेअकल हो जाते हैं, ऐसा इम्कान है? यानी आप अपने लिए जिल्लत समझते हैं इस बात को कि आने वाहिद के लिए आपसे आपकी अकल को हटाया जाए, है ना? आप अपने लिए जिल्लत समझते हैं कि आने वाहिद के लिए आपसे आपकी अकल को हटाया जाए, और आप कि अगर आप में के समझदार आदमी से कहे कि एक दिन कोई कहे कि अकल की तारीफ करो, साहेब अकल है, और अगर आपसे कह दिया जाए अकल की तारीफ करो,
जी अकल आप समझ, इसको कहते हैं मुसादिरा अलल मतलू, अकल की तारीफ का अकल। तो खुद हम जो जी अकल है, जो अकल को जानते ही नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई हमारा दोस्त हमको एक आने वाहिद के लिए अकल से दूर रखे। मगर बड़ी ख्वाहिश इस उम्र की कि रसूल के लिए औकात वही को मखसूस कर दिया जाए कि रजब में आई थी, 3 महीने तक नहीं आई, उसके बाद फिर एक मरतबा शाबान में मलक आया, 2 महीने तक नहीं आया, फिर मक्के में इतनी मरतबा आया, मदीने में इतनी मरतबा आया, ये गिनती के दिन थे, वही आई। और वो कौन सी बात थी जहां ये कहा कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, वहां कलाम ही नहीं है जब तक के वही ना हो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही युहा, ये जोर देखिए कि कुव्वत नातका में काम ही नहीं करती जब तक के वही ना हो। तो इसकी जरूरत क्यों हुई, ये जरूरत कैसे दाई हुई कि नबी के लिए ये शक बाकी रहा रहे और इस शक को बाकी रखा जाए, क्यों दाई हुई? वक्त इस वास्ते कि शाही का फूलना फलना इस्लाम में उसी वक्त मुमकिन था जबकि नबी की इस कैफियत वही को कुछ देर के लिए तो नबी से मुत्तसिल रखा जाए और कुछ देर के लिए नबी से अलग कर लिया। क्यों? फकत इस वास्ते कहें कि भाई ये तो वही है, और कहा ये तो कहा ये वही नहीं है, ये बशरियत है, ये बशरियत है। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी देर के लिए इंसान रहते हैं और कितनी देर के लिए हैवान हो जाते हैं? नबी के लिए यह कह दिया गया कि यहां तक वही है, यहां से बशरियत, कहां से बशरियत? अगर नवासे को ईद के दिन कांधे पर बिठा ले तो बशरियत, अगर बेटी के दरवाजे पर जाके सलाम करे और कहे इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज़्ज़ अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा, बशरियत। और अगर बुत शिकनी के मौके पर किसी को कांधे पर सवार कर ले तो चचाजात भाई थे ना, बशरियत। और अगर किसी मौके पर नवासे के दाहने अक्दस को चूमे और आंखों में आंसू भर के ये कहे कन्नी बिरासे का ओहदिया इला यजीद, मैं देख रहा हूं हुसैन कि तेरे सर को तोहफतन यजीद के पास ले जा रहे हैं। हां, रसूल को अंदाजा था कि आने वाली शाही इस घर से बदला ले लेगी, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो मैं समझता हूं कि जितने पढ़े लिखे मेरे अहबाब हैं वो किसी तबके से हों, और कल भी मैंने अर्ज किया कि मैं फिका में हमेशा इसी अमर का कायल हूं कि कोई फिका हो, किसी फिका का आदमी पाबंद है, मालिकी शाफी हनफी हम्बली जाफरी, किसी फिका का पाबंद है, मोहब्बत एक ही घराने से होगी और ये वही घराना होगा जो नबी को पसंद होगा, जिसको नबी दोस्त रखते हों और जिसके लिए हाथों पर उठाकर इस छोटे नवासे को पैगंबर का यह कहना खुदावंदा तू उसको दोस्त रख जो हुसैन को दोस्त रखे, खुदावंदा तू उसकी मदद कर जो हुसैन की मदद करे, खुदावंदा तू उसको रुसवा कर दे जो हुसैन को रुसवा करने की कोशिश करे। ये बार बार मुख्तलिफ अहादीस में यह मौजूद है। तो क्या ये इसलिए कि नवासा बशरियत नहीं, किसी पैगाम को आगे भेजना है ताकुल के साथ, और जान रहे हैं कि उस पैगाम को ले जाने वाले ये हैं। आज की गुफ्तगू मैंने खत्म की, मगर फिर वही कि इस कजमज बयानी के साथ जो पैगाम आप तक मुंतकिल किया जा रहा है जरा सा उसको महफूज करने की कोशिश कीजिए। हर चीज को मानने की जरूरत नहीं, मगर समझने की जरूरत है कि आप और कौन सी राह निकाल सकते हैं।
आप और कहां आगे बढ़ सकते हैं। आज मुहर्रम की छठी तारीख और वो गुफ्तगु जो वाकई करबला के साथ साथ जारी है, उस एतबार से आज हमारी गुफ्तगु का मरकज और फिक्र का महवर एक अजीब गरीब शहीद है। छठी मुहर्रम गालिबन कोई मुहर्रकात आप तक भी पहुंच रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे। अच्छा कुछ अशार सुनिए, एक अजीब शेर है, कहते कहते कुछ जबाने बेजबानी रह गई, तीर खाकर सो गए अजगर कहानी रह गई। कहते कहते कुछ जबाने बेजबानी रह गई, तीर खाकर सो गए अजगर कहानी रह गई। एक और शेर सुनिए, ये तिफले आश्क तमाशा है नौके मिजगा पर, ये तिफले आश्क तमाशा है नौके मिजगा पर, सिना पे हम अली असगर के सर को देखते हैं। दो शेर मैंने सुनाए फकत इसलिए कि जरा सा आपकी तवज्जो को मुनतिब करूं कि किसकी बारगाह में जाना है। एक और शेर प्यारे साहब रशीद का, ये समझ कर ले गए हमरा अजगर को हुसैन, ये समझ कर ले गए हमरा अजगर को हुसैन, कैद में पानों से ये बच्चा न पाला जाएगा। ये समझकर ले गए हमरा असगर को हुसैन, कैद में पानों से ये बच्चा न पाला जाएगा। खेमे के करीब आए आवाज दी, उम्मे कुलसूम रोने का गुल क्यों है, मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा रहूं सैदानियों की रोने की आवाज बाहर ना आए। उम्मे कुलसूम ने कहा, सरवरो सरदार आपकी आवाज इस्तगासा पर इस बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। आपने इरशाद फरमाया, उम्मे कुलसूम लाओ मेरे बच्चे को। वो बच्चा इमाम की गोद में आया, इमाम ने बच्चे को देखा और उम्मे रबाब से कहा, उम्मे रबाब अगर तुम इजाजत दो तो इस बच्चे को मैदान में ले जाऊं, इसके लिए पानी मांगूं, अगर पानी मिल सके तो मैं इस बच्चे को पानी पिलाऊं और फिर लाऊं। अर्ज किया, वाली मालिक व मुख्तार आप हैं, मगर मेरे सरवर व सरदार धूप बहुत सख्त है, मौसम बहुत गर्म है, मैं चादर लाऊं ताकि बच्चे को ओढ़ा दें। कहा, नहीं उम्मे रबाब दामने अबा का भी है। ये कह के दामने अबा में अपने लाल को छिपाया, मैं जहमत नहीं दूंगा। कुछ देर के बाद एक मर्तबा फिर आवाज आई, उम्मे कुलसूम वहां रबाब तो नहीं है, वहां रबाब तो नहीं है। उम्मे कुलसूम ने कहा, हाँ हाँ रबाब खड़ी है इंतजार में कि शायद बच्चे को पानी पिलाकर हुजूर लाएंगे। कहा, उम्मे कुलसूम रबाब से कहो कि बाहर आए। उम्मे रबाब बाहर आई, देखा कि इमाम उसी तरह से दामने अबा में कुछ छिपाए खामोश खड़े हैं। मगर अब के रबाब ने क्या देखा और अब इस दफा रबाब ने क्या अंदाजा लगाया,
आप समझ लें। इमाम ने कहा रबाब मैं कौन हूँ, अर्ज किया हुज्जत खुदा है वली असर है। कहा रबाब मेरा कहना मानोगी ना, अर्ज किया वाली क्यों नहीं मानूंगी, जो हुक्म होगा तामील करूंगी। कहा रबाब हम तेरे बच्चे को पानी पिलाने के लिए ले गए थे रबाब, पानी नहीं मिला, ये ले तेरा बच्चा। रबाब ने दोनों हाथ फैलाए, बच्चा रबाब की गोद में था मगर रबाब ने बच्चे को नहीं देखा। अब जो गौर से आका की सूरत को देखा तो अब गौर किया कि जब अली अकबर की लाश आई थी तो चेहरे का ये रंग न था, जब औन मोहम्मद की लाश आई थी तो चेहरे का ये रंग न था, जब कासिम की लाश आई थी तो चेहरे का ये रंग न था। माँ के दिल को खबर हो गई कि ये तो मेरे बच्चे का लहू चेहरे पर है।